चीन की घुसपैठ को लेकर रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी दस्तावेजों के बिना पर पीएम मोदी झूठ क्यों बोल रहे हैं पूछने वाले राहुल गांधी को शुक्रवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आड़े हाथों लिया। और सिर्फ राहुल गांधी को ही क्यों, उनकी मां और कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी बीजेपी अध्यक्ष ने आईना दिखाया। पीआईएल पर सुप्रीम कोर्ट की कुछ टिप्पणियों के हवाले से कांग्रेस पर हमला बोला, कहा कि 2008 में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच साइन हुए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर सुप्रीम कोर्ट तक हैरान है। जी हां, नड्डा ने ट्वीट किया, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट भी कांग्रेस पार्टी और चीनी सरकार के बीच हुए समझौते से हैरान है। दस्तखत करने वाली श्रीमती गांधी और उनके बेटे को स्पष्टीकरण देना चाहिए। क्या इसकी वजह से राजीव गांधी फाउंडेशन को डोनेशन मिला और बदले में चीन के लिए भारतीय बाजार को खोला गया जिससे भारतीय बाजार प्रभावित हुआ? अब नड्डा के इन तीखे सवालों का कांग्रेस क्या जवाब देगी वो देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने चीन और कांग्रेस के बीच हुए समझौतों पर क्या कहा था जिसको लेकर नड्डा कांग्रेस पर चढ़ाई कर रहे हैं। दरअसल साल 2008 में चीन और कांग्रेस के बीच में हुए कथित समझौते की एनआईए से जांच कराने की मांग वाली जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनने से इनकार कर दिया। हालांकि जब याचिकाकर्ता राम जेठमलानी के वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि ये इस देश की एक पार्टी की दूसरे देश की इकलौती पार्टी के साथ करार है और ये मुद्दे देश की सुरक्षा से जुड़े हैं, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई। कोर्ट ने कहा, हमारे सीमित अनुभव में हमने ऐसा कभी नहीं सुना कि किसी राजनीतिक दल ने किसी दूसरे देश के साथ समझौता किया हो। सुप्रीम कोर्ट की इसी टिप्पणी को आधार बनाकर बीजेपी अध्यक्ष आज कांग्रेस पर जमकर बरसे और पार्टी के प्रमुख सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर दिया।